z transform of unit impulse del n. Del n is equal to 1 only at n is equal to 0 and del n is equal to 0 otherwise. This means n is equal to 0 पे del n का value n होगा and remaining सारे जगह पे 0 होगा. graphically अगर हम देखें, अगर ये 0 है और ये हमारा n ले लेते हैं इधर और ये हमारा del n है, तो 0 पे जो value होगी वो होगी 1. So according to z transform हमारी जो जेड ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन होती है इसको उसके अकॉर्डिंग एक्स जेड इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एक्स एन जेड टू द पावर माइनस एन, ये हमारा होता है. तो यहाँ पे हमारा एक्स एन जो है वो है हमारा डेल एन. और सिंस del n is present only at n is equal to 0 means since del n is present only at n is equal to 0 means यहाँ पे बस n is equal to 0 पे del n हमारा present है, तो we can directly write as under, तो फिर हम लिख सकते हैं xz is equal to del of 0 और z to the power 0 हो जाएगा हमारा. तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है हमारी 1 और ये भी हमारा 1 हो जाएगा, तो फिर एक्स जेड हमारा फाइनली आ रहा है 1 आ रहा है. अब हम आर ओ सी की बात करें तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो होगा आर ओ सी की बात करें तो एक्स जेड इज इक्वल टू 1 आ रहा है, यहाँ पर कोई भी जेड टर्म यहाँ पे नहीं आ रहा है, सिर्फ 1 है, तो फिर आर ओ सी इज इंटायर जेड प्लेन हो जाएगा हमारा यहाँ पे एंटायर जेड प्लेन हो जाएगा. और जेड ट्रांसफॉर्म पेयर जो होगा जेड ट्रांसफॉर्म पेयर इज गिवन बाय डेल एन जेड ट्रांसफॉर्म पेयर को कुछ इस तरह डिनोट करेंगे. ये हमारा 1 है, तो यहाँ पर हमने देखा डेल एन का जेड ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं. थैंक यू. ये हमारा जेड ट्रांसफॉर्म का पेयर था, ये वीडियो में आ नहीं पा रहा था इसलिए ये हाइड हो गया था. तो ये हमारा डेल एन इज इक्वल टू 1, डेल एन का जेड ट्रांसफॉर्म 1 होगा, मतलब जेड ट्रांसफॉर्म पेयर को इस तरह से हम डिनोट करेंगे. थैंक यू.